कैसे हैं आप? आई होप आप सबको थर्ड चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए फोर्थ चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने देखा था लियोस पास्ट की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ एल्डर्फ लियोस को एक बुक देता है और कहता है, तुम जियांग सेन के बहुत बड़े फ़ैन हो ना, और तुम्हें उनकी बुक भी बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए उनकी बुक लेके आया हूँ। फिर एल्डर्फ ब्लश करते हुए कहता है, आई होप कि तुम्हें ये बुक पसंद आए और साथ में मैं भी। ये सोच के लियोस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करूं, पर तुम तो 19 दिनों से घर भी नहीं आए। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए फोर्थ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत रात हो जाती है और लुईस बुक पढ़ते पढ़ते काउच पे सो जाता है, तभी कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। दरवाजे की आवाज़ की वजह से लुईस की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। वो पर्सन घर के अंदर आता है और हॉल की तरफ जा रहा होता है। वो पर्सन और कोई नहीं, एल्डर्फ होता है। एल्डर्फ हॉल में आकर हॉल की लाइट्स ऑन कर देता है और सामने लुईस को ऐसा बैठा देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम अंधेरे में ऐसे भूत की तरह बैठे क्यों हो? मैं कितना डर गया था। ये सुन के लुईस कहता है, मैं सो गया था और अभी अभी उठा हूँ, लाइट्स ऑन करना भूल गया था। फिर लुईस वो बुक टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम घर कैसे आ गए अचानक से? तुमने तो कहा था तुम बहुत बिजी हो। एल्डर्फ अपना कोट निकालते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पर मैं घर आना तो छोड़ नहीं सकता ना, तुमने मुझे एक बार फ़ोन भी नहीं किया इतने दिनों में। ये सुन के लुईस कुछ नहीं कहता। तभी एल्डर्फ अपनी टाई खोलते हुए कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? खुद को देखो, कैसे दिख रहे हो? क्या तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? क्या तुम्हें डिस्कस फील नहीं होता जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो? ये सुन के लुईस फिर से कुछ नहीं कहता और काउच से उठ जाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। ये देख के एल्डर्फ अपने मम्मी सोचता है, इसे हो क्या गया है? कितना अजीब सा बिहेव कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद एल्डर्फ शावर ले रहा होता है। फिर एल्डर्फ शावर लेके बाहर आ जाता है। लुईस बेड पे सो गया होता है। ये देख के एल्डर्फ अपनी मम्मी सोचता है, ये सो भी गया, मेरे लिए रुका भी नहीं। फिर एल्डर्फ धीरे से लुईस के बाजू में आता है और उसे हग कर लेता है। तभी एल्डर्फ कहता है, तुम्हारा वेट इतना लूज कैसे हो गया है? तुम कुछ खाते नहीं हो क्या? ये सुन के लुईस कहता है, इन दिनों मुझे भूख नहीं लगती, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। ये सुन के एल्डर्फ कहता है, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती? तुम्हें क्या हो गया है? कहते हुए एल्डर्फ लुईस के शर्ट में हाथ डालता है और पीछे से उसके नेक को किस करता है। तभी लुईस कहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे ये सब करने का मन नहीं कर रहा है। ये सुन के एल्डर्फ को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं इतने लंबे समय से घर नहीं आया, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी याद नहीं आई? ये सुन के लुईस कहता है, मुझे ठंड लग गई है और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा सोचो मत और सो जाओ। ये सुन के एल्डर्फ कहता है, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, सो रहा हूँ मैं। और ये कहते हुए एल्डर्फ रूम की लाइट्स बंद कर देता है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।